हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का हृदयपूर्वक स्वागत है। और आज विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में ना ढेर सारी शुभकामनाएं सबको। और हमारे पास दो गाड़ी हैं, आप लोग तो जानते हैं, तो दोनों को साफ करके धोए हैं और उसके बाद ना नहा धोकर पितृ श्राद्ध का जो पानी डालते हैं वही डाल रहे थे। टाइम हो गया था, नदी या तालाब जाना चाहिए, लेकिन इनको टाइम ही नहीं है, गाड़ी की वजह से बुकिंग वुकिंग इधर उधर, तो घर में ही कर ले रहे हैं। और इधर कृष्णा को नहलाकर उसकी मम्मी सारा सामान यहीं रख गई है, और इसके पापा ने गाड़ी को धोकर सारा मैट वैट को आंगन में ही डाल दिए थे, ऊपर नहीं लेके गए थे छत पर, धूप था तो सूख जाएगा करके। और सारे आंगन में देखिए हमारे कपड़े ही कपड़े हैं, धोए हैं। तो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग? हम सब अच्छे हैं, भगवान दया से आप लोग भी सब अच्छे होंगे। और इसके पापा ने ना सारा गाड़ी वाड़ी का सामान सब धोकर सुखा लिया है। दिखाती हूँ मैं आपको, दोनों गाड़ी को साफ कर लिए हैं। आज विश्वकर्मा जयंती की आपको बहुत सारी बधाइयाँ, और विश्वकर्मा है तो आज दोनों गाड़ी को साफ किए हैं, आज बुकिंग नहीं गए हैं, तो सारा गाड़ी का सामान भी धोकर सुखा लिए हैं आंगन में इधर। और देखिए आंगन में कितने सारे कपड़े डाल दिए हम लोगों ने सूखने के लिए। इधर कृष्णा का कपड़ा है और हम लोगों का कपड़ा इधर उधर सब डाल दिए हैं, बाड़ी तरफ भी है। और अभी पितृपक्ष चल रहा है तो इसके पापा ना तालाब नहीं जा पा रहे हैं अपने काम की वजह से, तो घर में ही पानी देते हैं। और तालाब नदी जाकर देना चाहिए, बाकी उनको टाइम नहीं है, तो यहीं पर कर लेते हैं पितृ का पूजा पानी डालकर। और पितृ श्राद्ध नहीं किए हम लोग अभी, तिथि आने पर करते हैं। तो अभी मेरे 1.5 साल का तबीयत ख़राब है, तो पता नहीं 1 साल करेंगे या नहीं। माही, देखिए माही इधर खेल के आ रही है छत से, धूप में खेल रही थी। अभी धूप में छत में खेल रही थी। तो चलिए इसके पापा कैसे गाड़ी साफ किए सब दिखाती हूँ मैं। हेलो, बोलो कहाँ गई थी? बोलो कहाँ गई थी? खेलना है कहाँ पर? छत पर। दाल चावल तो खाई नहीं, क्या खाएगी अभी? क्या खाएगी? चाय पीऊंगी। चाय पीगी अभी? 2:30 बजे चाय पीते हैं, अभी 2:30 बज रहा है। क्या एग्जाम था आज बताओ? जीके। जीके का? और क्या खेल रही थी छत में? मम्मी वाला खेल रही थी। मम्मी वाला खेल रही थी। तो चलो थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर मिलते हैं। क्या खाएगी? भूख लगी है तो? हमारा खाना वाना खत्म हो चुका है, माही खाई नहीं है। मैं जस्ट बर्तन तल के रखी हूँ, खाना वाना खत्म करके। और देख नीचे फिसलेगा, अभी धोई हूँ नीचे को, बर्तन धोकर। एप्पल खाएगी? हाँ, दूध नहीं है, ले एप्पल ले खा ले। चल धो ले बाल्टी में, व्हाइट वाला बाल्टी में धो ले, खा ले व्हाइट वाले बाल्टी में। अच्छे से धो ना, अच्छे से धो, चला इधर फिसलेगा देखना नीचे, चला। और मेरे को थोड़ा ज़्यादा ही वीकनेस आ रहा है, तबीयत ठीक नहीं था, तो थोड़ा देर आराम करने के बाद ये सीधा शाम का वीडियो है विश्वकर्मा पूजा के लिए। इसके पापा फल वल सब लाए थे, नारियल, बूंदी, फूल, चावल, सब कुछ, तो निकाल के रख दे मैं पूजा करूँगा बोले, तो ये सब तैयारी कर दे रही हूँ मैं, पूजा करेंगे फिर। और गाड़ी के धोए नहीं थे सुबह, दोनों गाड़ी के धोए तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया उनको, 2:30 बज गया उनको सारा धोते धोते, तो उसके बाद सुबह का पूजा नहीं किए हैं, शाम को ही करूँगा, रहने दे बोली। और अधिकतर शाम को ही करते हैं, तो इधर मैं सारा भोग प्रसाद निकाल के दियावाती रख दूँगी, उसके बाद पूजा करने के लिए जाएंगे वो गए हैं अभी नहाना धोना करने। और उसके बाद
फिर पूजा करेंगे। सब कुछ ला के रख दिए हैं। अधर माही बोल रही थी मैं भी तैयारी करूँगी आपके साथ, तो थोड़ा सा रेड वाला फूल मिला था तो ले आए थे, और हमारे बाड़ी में फूल नहीं है। और उसके बाद ना लाए थे नारियल, बूंदी और सेब उसकी और केला, तो इसी का प्रसाद बनाना है। तो सारे प्लेट में निकाल दूंगी, और उसके बाद जो चावल फूल और दिया आती है उसको भी रख दूंगी। कल से एक गाड़ी करके साफ़ कर लूँगा बोल रहे थे। बाकी हम लोग गए थे मेरी डेढ़ सास को देखने, वो एडमिट है हॉस्पिटल में, आईसीयू में एडमिट है, तो उनका कंडीशन थोड़ा ठीक नहीं था, तो हम लोग पूरा परिवार गए थे देखने। और माही का एग्ज़ाम था तो उसके पापा घर पर थे माही को भेजने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसको मैं भेज दी थी और उसके बाद गई थी। तो 11 बजे आ जाती है, तो घर में तो कोई रहना ज़रूरी है ना बच्चे के लिए, तो उसके पापा घर पर थे और हम सब गए थे, तो गाड़ी धो नहीं पाए कल से वो, इसीलिए आज दोनों गाड़ी को धोकर आज ही साफ किए हैं। और विश्वकर्मा जयंती का पूजा शाम को कर रहे हैं। और इधर बूंदी को मैंने डाल दिया है, केला को निचकर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूंगी, और उसके बाद एप्पल को भी धोकर काट लूंगी। और माही हमेशा मदद करने के लिए रहती है, वो पानी ला दी है एप्पल धोने के लिए। वो रही थी मेरे को एक टुक केला दे दो, मैं खाती रहूँगी, उसके बाद आप लोग निकालती रहना, और फिर मैं बैठकर देखती रहूँगी बोली। और वो ना पास में बैठकर देख रही थी केला खाते खाते, और बच्चों का मन रहता है तो पहले बच्चों को दे दो उसके बाद पूजा पाठ में लगाओ, वरना बच्चों का मन रहता है अच्छा नहीं लगता है। तो मैं जो भी होता है पहले बच्चों को देती हूँ, उन लोगों का मन शांति तो सब कुछ शांति है। और इसके बाद इसके पापा नहा धोकर तैयार हो रहे थे पूजा के लिए, इधर मेरा प्रसाद भी हो गया था लगभग तैयार। तो हर साल इसी तरह रहता है हमारा पूजा पाठ। और पहले तो हम लोगों ने पिकअप को पहला लिया था और उसके बाद बोलेरो, तो अब दो गाड़ी हो गए हैं भगवान की दया से, उसी से हमारा जीवन यापन चलता है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई और हमारे घर का खर्चा सब कुछ। और अभी फ़िलहाल हम जो यूट्यूब करते हैं ना उसमें 3-4 महीने में अर्निंग होता है 7-8 हज़ार रुपये, तो उससे तो कुछ होगा ही नहीं इतने बड़े परिवार का खर्चा। अभी पढ़ाई लिखाई में बच्चों का बहुत ज़्यादा खर्चा है, तो इसका पापा सब मेंटेनेंस करते हैं, और मेरा कहीं कुछ छोटा सा हेल्प होता है क्योंकि हर महीना नहीं आता है यूट्यूब से पैसा, 3-4 महीने में एक ही बार आता है, वो भी 7-8 हज़ार रुपये तक आता है, तो बच्चों का कुछ कुछ आ जाता है उसमें, और बाकी का खर्चा उसी के पापा चलाते हैं। तो दोनों गाड़ी से ही हम लोग का चलता है खर्चा, तो दोनों गाड़ी ही हमारे घर की लक्ष्मी हैं। और जहाँ गाड़ी है हमारे घर के सामने, उधर लाइट नहीं है साइड में, तो मोबाइल चलाकर पूजा कर रहे थे मेरे भतीजा, मोबाइल दिखा रहे थे तो इसके पापा पूजा कर रहे थे। तो आज का विश्वकर्मा का पूजा इसी तरह था, और आज का वीडियो यहीं पर एंड करेंगे। पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और तो बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो इसी तरह तो चलिए आज का पूजा खत्म हो गया, अब भोग प्रसाद जो भी था बांटने के लिए दे रहे हैं। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। नए नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।